तो ये नेचर पार्क गुजरात साइंस सिटी जो अहमदाबाद में है उसमें एक नया अट्रैक्शन, और 17 जुलाई 2021 से ये आम जनता के लिए खुला है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग कंपलसरी है पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। हमें मालूम नहीं ये वीडियो आप कब देखेंगे, लेकिन अभी जुलाई 2021 की स्थिति में तो ऑनलाइन बुकिंग कंपलसरी है। और इस नेचर पार्क में मेरी पसंदीदा चीज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद आएगा। ये सेल्फी पॉइंट्स, आप चाहे तो ये फाउंटेन के पास सेल्फी खिंचवाए, चाहे तो ये जो विलुप्त होने वाले हो रहे हो गए हैं जो इस तरह के जो प्राणी हैं उनके रियल साइज़ के जो शिल्प है उसके साथ आप सेल्फी खिंचवा सकते हैं। बच्चों को पसंद आएगा यहाँ खेलना, बड़ों को पसंद आएगी सेल्फी, बच्चों को पसंद आएगा यहाँ पे खेलना, और जो नेचर लवर्स है उनके लिए यहाँ काफ़ी सारे फ्लावर्स की, पेड़ों की प्रजाति आप हर तरफ बिखरी हुई देख सकते हैं। जैसे एरोमा गार्डन, यहाँ पे सुगंधित पुष्प हर तरफ आपको दिखाई देंगे, उसके साथ आप समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन मेरी पसंदीदा चीज़ ये है भूल भुलैया उद्यान मेज़। इसमें अगर आप जाएंगे एक तरफ से तो खो जाएंगे, डेड एंड पे टकराते हुए वापस आते जाएंगे, लेकिन आपको अपना रास्ता ढूंढना होगा। तो मेज़ मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ यहाँ पे है नेचर उद्यान में। ये देखिए कमल का काफ़ी अच्छी तरह से एक छोटा सा पॉन्ड बनाया गया, और ये एक पॉन्ड बनाया गया जिसमें बोटिंग भी अवेलेबल रहेगा। जो लोग बोटिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल होगी। तो काफ़ी सारे अट्रैक्शंस है इस नेचर पार्क में, और मैंने अब बता ही दिया ये कदम भवन देख लिए, ये अलग अलग तरह के जो प्लांटेशंस किए गए हैं अभी इनिशियल स्टेज पे है। ये एक मिस्ट फॉरेस्ट काफ़ी अट्रैक्शन वाला चीज़ है। अगर मेस के बाद मेरा पसंदीदा दूसरा चीज़ यहाँ पे है तो ये है, क्योंकि मैं सेल्फी का इतना शौकीन नहीं हूँ। ये मिस्ट टनल में आपको बम्बूस के पेड़ों के बीच में मिस्ट का क्या एक्सपीरियंस होता है ये मिलेगा, तो ज़रूर इधर आइए।